तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? Right, दोस्तों क्या हाल है आप सभी लोगों के, वेलकम बैक टू अंदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आप लोगों का मनीष भाई कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, तो आप सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, और इसलिए मैंने आपको बताया भी था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और कम्युनिटी पोस्ट करके ही बताया था। वैसे अभी के टाइम पे कम्युनिटी पोस्ट एक्सपायर हो गई होगी क्योंकि मैंने 24 आवर्स के लिए लगाया था। तो यार हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लिटरली बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है, इसलिए मैं फेस कैम नहीं कर रहा हूँ, बट पहले से बेटर है। अभी के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी में जमाना चल रहा है एडवांस सर्वर का, तो हम लोग तो काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे एडवांस सर्वर की अपडेट देने में। इसलिए आज की इस वीडियो में जो एडवांस सर्वर के अपडेट है ना, उनके फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। भाई साहब अपडेट गया तेल लेने, चलो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लाइक आपको बताया कि आप अपनी सेंसिटिविटी को आप 200 कर सकते हो, लेकिन भाई ये तो एक स्कैम है। अब ये स्कैम कैसे है जानना है आगे वीडियो को देखना। और क्या आपको पता है जो डबल वेक्टर गन है उसको बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है, और साथ ही साथ शॉर्ट रन में जो पर्सनल फेवरेट गन है बिजॉन और ट्रोगन उसकी अम्मा बहन कर दी है। और आपको ये तो पता होगा कि हमारे गेम में इलाइट हीरोइक होता है और इलाइट मास्टर होता है, बट जब हम इलाइट हीरोइक करते हैं या फिर इलाइट मास्टर करते हैं तो अलग सा लोगो नहीं आता रैंक का, वैसा का वैसा ही रहता है। तो शायद लोगों में भी इस बार चेंज हुआ है। तो फैक्ट्स और अपडेट तो काफी सारे हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 8 से। आप सभी को विंडो ग्लिच याद है? हमारे गेम में पहले बहुत ज़रा विंडो ग्लिच हुआ करता था, विंडो में हम जंप करते थे, विंडो में फंस जाया करते थे। और अभी ये विंडो ग्लिच तो नहीं होता है, लेकिन साला विंडो में एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जब जल्दबाजी में होते हैं तो विंडो में फंस जाते हैं। तो इस OB44 अपडेट के बाद ये अपडेट आएगा कि आप विंडो से डायरेक्टली बाहर चले जाओगे, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा विंडो होगा या फिर आप प्रॉपर वे में जंप करोगे तो आप फंसोगे नहीं, डायरेक्ट विंडो के आर पार चले जाओगे। और बैकग्राउंड में वीडियो क्लिप शो कर रहा हूं मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर बात किस टाइप से कर रहा हूं। नॉर्मली विंडो से जंप करते हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, अब आप डायरेक्टली विंडो के बाहर भी जंप कर सकते हो। फैक्ट नंबर 7, बात करते हैं लोगों के बारे में। अब लोगों में क्या सीन है कि भाई हीरोइक का लोगो होता है, मतलब कि रैंक टायर का अलग अलग लोगो होता है। तो अब इस स्क्रीनशॉट को देखो, इसमें कुछ ना नए नए लोगो को ऐड किया गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये नए लोगो कौन से है, किसके है, समझ में नहीं आ रहा है, ग्रैंड मास्टर का है क्या? नहीं भाई, ग्रैंड मास्टर का जैसा कहता ऐसा ही है। तो प्रोबेबली भाई ये बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इलाइट हीरोइक का और इलाइट मास्टर का लोगो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दो हीरोइक है, तो हीरोइक का दोनों थोड़ा सा अलग अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इस वाले लोगो की, तो ये ग्रैंड मास्टर का तो नहीं लग रहा है, मे बी इलाइट ग्रैंड मास्टर का हो सकता है या फिर इलाइट मास्टर का भी हो सकता है। मैं इसके बारे में 100% कंफर्म नहीं हूं क्योंकि एक लीक है और लीक में कुछ भी 100% कंफर्म नहीं होता है। तो भाई आप लोग भी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप लोग इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगर आपको कुछ इसमें अच्छा नजर आता है तो आप मुझे इंस्टा पे मेंशन करो, मैं आपको इंस्टाग्राम पे जरूर शॉट आउट दूंगा। लेकिन जहां तक ये वाला जो नया लोगो दिख रहा है ना, ये इलाइट मास्टर का हो सकता है, क्योंकि इलाइट ग्रैंड मास्टर जैसे तो कुछ होता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 6, भाई लोग बात करते हैं हम लोग वेपन एडजस्टमेंट के बारे में कि भाई कौन से वेपन में कैसे एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन पहले बात करते हैं डबल वेक्टर की, क्योंकि ये पर्सनली मेरा पहले बहुत ज्यादा फेवरेट था। अब भाई कुछ टाइम पहले जब से गरीना फ्री फायर ने डबल वेक्टर की मारना शुरू की है, उसके बाद से कभी भी डबल वेक्टर को उतना पावरफुल नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार डबल वेक्टर में कुछ चेंजेस हुए हैं। इसके रेंज और मैगजीन को बढ़ाया गया है, जिसकी हेल्प से भाई मेरे को लगता है डबल वेक्टर फिर से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है क्लैश स्क्वाड के अंदर। बीआर में तो कुछ खास वर्क नहीं करेगी इतने पावर से, लेकिन सीएस के अंदर तबाही मचा सकती है ये। और वहीं बात करें बिजॉन की और चार्ज बस्टर और ट्रोगोन की, ये तीन गन है, इनकी पावर को कम किया गया है। बिजॉन के डैमेज और मैगजीन को कम किया गया है और चार्ज बस्टर ट्रोगोन के डैमेज को कम किया गया है। और हाँ एम्पीफायर कैसे बोल सकते हैं, एम्पीफायर के डैमेज को इंक्रीज किया गया है, पैराफिल के मैगजीन को इंक्रीज किया गया है जो कि काफी सही है, और ऑक गन का तो मैंने आपको पहले ही बताया था डैमेज और आर्मर पेनिट्रेशन इंक्रीज किया गया है। तो भाई चलो बहुत बढ़िया बात है, ये थे कुछ वेपन एडजस्टमेंट। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। गाइस अभी के टाइम पे जब हमारे गेम में अपडेट नहीं आया तो सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क होता है, वहां पे ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन होता है, उसे ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। ऑफ कर दोगे तो कोई बात नहीं, ऑन कर दोगे तो आपका नेटवर्क थोड़ा सही चलेगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, लेकिन नीचे में कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन एडवांस सर्वर में यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं। अब देखो मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, हर एडवांस सर्वर में आता है ये स्मार्ट का पोस्ट वेरिफिकेशन और प्री वेरिफिकेशन, तो ये नई बात नहीं है, बहुत बार एडवांस सर्वर में आ चुका है। लेकिन इसमें नई बात यह है कि मेरे को लीक पता चली है कुछ, मतलब इसे 100% कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% चांसेस है कि इस अपडेट के बाद ये स्मार्ट और पोस्ट प्री वेरिफिकेशन है ये हमको देखने मिलने वाला है। बेसिकली जिनको जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि जब आपका नेटवर्क सही नहीं चलेगा, जब स्मार्ट में रखोगे, जब आपका नेटवर्क सही नहीं भी चल रहा है फिर भी सामने वाले बंदे को डैमेज है ना वो सही लगेगा, मतलब फेक डैमेज नहीं दिखाएगा। अब ये वही है भाई जो नेटवर्क इशू होने पे फेक डैमेज दिखाता है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व कर देगा। अगर भाई ये इस अपडेट के बाद आ जाता ना तो लिटरली भाई काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस अपडेट में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है फ्री फायर। तो
इस चेंजेस को भी कर देना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लाओ यार ये फीचर बहुत ज्यादा कमाल का है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। अब VSK 94 के बारे में बात करते हैं जो कि एक मिथ है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इस OB44 अपडेट के बाद VSK 94 देखने मिलेगा, और हाँ भाई ये सच भी है, लेकिन इस OB44 अपडेट के बाद नहीं, इस 1 तारीख को हमको देखने मिलने वाला है। VSK 94 क्लैश कोड में 1 तारीख को देखने मिलेगा, क्योंकि 1 तारीख को ही हमारा नया CS का रैंक सीजन आने वाला है, तो 1 तारीख को ही हमको क्लैश कोड में VSK 94 देखने मिलने वाला है। डोंट वरी, आपको OB44 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ, और ये तीनों के तीनों फैक्ट्स बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। अभी हमने क्लैश कोड की बात की है, तो क्लैश कोड के अपडेट के बारे में बात करते हैं। आप सभी को हैंगर के बारे में पता है, हैंगर में भाई जगह में थोड़े मोटे चेंजेस होते रहते, तो इस बार भी हैंगर में चेंजेस हुए, और ये काफी सही है यार, क्योंकि हैंगर थोड़ी सी खुली खुली जगह हो जाती थी। तो अब क्या है ना भाई, हैंगर में ये कंटेनर बड़ा सा ऐड कर दिए गए एक साइड में, और ये देख लो यहाँ पे कवर एंड फाइट करने के लिए काफी ज्यादा सही चीज है। लेफ्ट साइड में चेंजेस हुए हैं, राइट साइड में तो नहीं हुए हैं, लेफ्ट साइड में ही हुए हैं। और ये जो घर है इसके गेट्स को भी थोड़ा सा बढ़ाया है, खोल बोल दिया गया है ये वाला जो छोटा सा घर होता है ना यहाँ पे, तो ये भी काफी सही है यार। अब आपके बारे में क्वेश्चन चल रहा होगा भाई ये भी क्या 1 तारीख को आने वाला है, तो नहीं भाई ये 1 तारीख को नहीं आएगा, ये OB44 अपडेट के बाद ही आएगा, मतलब कि 16 या फिर 17 अप्रैल के बाद। फैक्ट नंबर 2, अब ये फैक्ट थोड़ा सा आपको हैकर वाली वाइब देगा भाई लोग। CS में क्या होगा ना कि अगर आप CS में 20 सेकंड के आसपास अगर आप स्क्रीन में कुछ भी टच वगैरह नहीं करते हो, मान के चलते कि मम्मी ने बुला लिया, तो मम्मी के पास चले गए गेम को ऐसे ही ऑन रख के, और मम्मी ने हमको काम दे दिया, तो हमको 2-3 मिनट लग गए उस काम को करने में, तो हमारा स्क्रीन पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, टच वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको AFK का नोटिफिकेशन आएगा। AFK मतलब होता है अवे फ्रॉम कीबोर्ड, तो अगर आप मतलब स्क्रीन से दूर हो अपने, आपने एक भी टैप वगैरह नहीं किया है, तो फिर देखो स्क्रीन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका प्लेयर है उसको देखना। ये ऐसा लगेगा कि भाई ये हैकर हो गया मेरा प्लेयर, मतलब यहां से वहां टेलीपोर्ट हो रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा जगह में, बट हम टेलीपोर्ट एक्चुअली में नहीं होगा, जिस तरीके से बॉट खेलते हैं ना, बॉट वगैरह से अपने आप खेलते रहते हैं, तो अपने टीममेट्स को या फिर एनिमीज को वैसा ही शो करेगा, लेकिन हमारे स्क्रीन में कुछ इस टाइप का शो करेगा। और जब हम स्क्रीन में आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है कि हमको टैप करना है स्क्रीन में, तो उसके बाद जो हमारा गेम है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब गाइस फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि सबसे बड़ा फैक्ट या फिर अपडेट होने वाला है OB44 अपडेट का। लेकिन भाई लोग उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टॉप में आप लोगों को मिल जाएगी फ्री डायमंड की लिंक, तो उस पर क्लिक करोगे आप लोगों को ट्रिक पता चल जाएगी कि आपको फ्री फायर गेम में फ्री में डायमंड कैसे लेना है। लेकिन इस वीडियो को खत्म होने के बाद अभी से नहीं, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा फैक्ट बचा है मेरे भाई। फैक्ट नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया कि अभी इस अपडेट के बाद हमारे गेम में जो सेंसिटिविटी 100 होती है ना, वो 100 से बदल के इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी, उसे आप 200 कर लोगे, तो सच में कोई फायदेमंद है या फिर नहीं। तो इसी को टेस्ट करने के लिए मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया, फिर उसके बाद जब मैं कैरेक्टर को सब मूव कर रहा था ना, इधर उधर देख रहा था, तो हाँ भाई सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मतलब संभाला नहीं जा रहा था। फिर मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा आया कि भाई ये ऐसा मैंने कहीं ना कहीं खेला है। फिर मेरे को याद आया कि जब मैं अपने आईफोन में खेलता रहा, तब मेरी सेंसिटिविटी ऐसी कुछ हुआ करती थी। भाई लोग अब क्या सीन है, आप एंड्रॉइड में भी आईफोन वाला सेंसिटिविटी कर सकते हो, अगर आप सबको 200-200 कर लोगे तो। और जो आईफोन यूजर्स है उनकी सेंसिटिविटी पीसी प्लेयर जैसी हो जाएगी, मतलब पीसी में जो सेंसिटिविटी होती है ना बहुत ज्यादा खतरनाक वैसी हो जाएगी। लेकिन भाई लोग मुद्दे वाली बात ये आती है कि आपको 200 के सेंसिटिविटी में 2-3 हफ्ते तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परफेक्ट बनने के लिए, वरना भाई घंटा खेल ही नहीं पाओगे। चलो भाई ये तो ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइस देख देख के भी रहता है। अगर मेरे डिवाइस में 200 सेंसी करने में पूरा एक राउंड घूम जा रहा है थोड़े से स्क्रॉल करने में, तो शायद आपका लो एंड डिवाइस है तो उसमें ना हो, तो डिवाइस देख देख के भी सेंसी रहती है। अगर आप फिर उसमें डीपीआई वगैरह यूज करोगे तो भाई आप तो हैकर ही बन जाओगे। और इसी वजह से मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि भाई ये जो अपडेट है सेंसिटिविटी वाला, ये शायद ही हमारे गेम के अंदर OB44 अपडेट के बाद आएगा। इंडियन सर्वर में शायद आएगा, शायद बाकी सारे सर्वर में आ जाए, लेकिन इंडियन सर्वर में चांसेस कम लग रहे हैं। अब शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, मैं काफी बार गलत हो जाता हूँ, बट यार ये अपडेट बिल्कुल ही गेम चेंजर अपडेट हो सकता है, या तो गेम को पूरा खत्म कर देगा या तो गेम को पूरा बना देगा। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि ये सेंसिटिविटी वाला अपडेट हमारे गेम के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम पे भी हूं मैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन से मुझे याद आया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप में मिल जाएगी फ्री डायमंड्स की लिंक, तो उस पर क्लिक करो, जाके फ्री डायमंड की ट्रिक को देखो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।